पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने गुनाह किया उनके खिलाफ FIR हुई है, पकड़े भी गए और जो अभी बचे वो भी पकड़े जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सपा बसपा की सरकार नहीं है कि मथुरा में इतना बड़ा कांड हो जाए और मुलजिम फरार घूमे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुनाह करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। TMC के भी 3 सांसद एयरपोर्ट में, TMC वाले पहले अपने पश्चिम बंगाल को देखें, जहाँ लोगों के गर्दन से सर से शरीर से गर्दन उड़ाए जा रहे हैं, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं। TMC वालों को उत्तर प्रदेश आने की जरूरत नहीं है, पश्चिम बंगाल संभाले। क्या लगता है प्रियंका गांधी क्यों इस तरह दूरियों से? प्रियंका गांधी क्योंकि डूबती हुई नैया है, तो अब उनको लग रहा है कि साथ यही बहाना मिल जाए ऊपर मीडिया में छाने के लिए। देखिए, सोनभद्र की जो घटना है वो बहुत दुखद घटना है, मुख्यमंत्री ने उस पर गहरी संवेदना प्रकट की है और पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जो वहाँ जिनकी वहाँ मृत्यु हुई है उन परिवारों को आर्थिक मदद भी हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का देश में वजूद समाप्त हो रहा है। श्रीमती प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा कहीं ना कहीं मौतों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें भी वो वोट बैंक की राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। हमारी मंशा किसी को रोकने की नहीं है, लेकिन वहाँ शांति बहाल हो, जो लोग तो उसमें घायल हुए हैं उनका उपचार ठीक से हो, वहाँ व्यवस्थाएं ठीक हों, उसके लिए शासन प्रशासन वहाँ मुस्तैदी से लगा है। व्यवस्था को वहाँ शांति बनाने के लिए शासन प्रशासन वहाँ काम कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी के लोग, BSP के लोग और कांग्रेस के लोग, खासतौर से प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, वहाँ पर सहयोग करें। राजनीति के लिए बहुत मौका है आने वाले समय में, क्योंकि आप सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं या फिर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं दुखद, वहाँ पर जाकर राजनीति करते हैं। जो अपराधी है वो अपराधी है, जो भूमाफिया है वो भूमाफिया है, चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे कोई आजम खां हो या कोई और भी हो। जिसने गैर कानूनी तरीके से अगर कहीं ज़मीनों पर कब्जा किया है, हमने तो केवल उसका जो वास्तविक स्वरूप है आजम खां का, वो जनता के सामने रखा है कि वो एक भूमाफिया है, उसने ज़मीनों पर कब्जा किया है और उसका असली चेहरा जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं। इस तरह के और भी जितने भी लोग आएंगे आने वाले समय में, आप देखेंगे जितने भी भूमाफिया हैं उन सबके हम फोटो लगाने वाले हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो चौराहों पर उनके फोटो लगाएंगे। मुख्यमंत्री भी रहेंगे, जिसने भी अवैध कब्जे किए हैं, गैर कानूनी काम किया है, जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, उनके चेहरे से नकाब उतर रहा है। उनसे तो जनता पूछ रही है कितने अरबों की संपत्ति कहाँ से आई, जवाब दो।